शहडोल में 19 नवजात बच्चों की मौत के बाद सियासत चरम पर है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री ने शहडोल में अस्पताल के निरीक्षण के बाद सीएमएचओ और सिविल सर्जन को सस्पेंड कर दिया था। वहीं इस कार्रवाई का श्रेय लेने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में होड़ लगी है। रिपोर्ट देखिए। शहडोल के जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत के मामले में कार्रवाई पर श्रेय लेने की होड़ लग गई है। दरअसल 26 नवंबर से अब तक 18 बच्चे काल के गाल में समा गए। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने शहडोल के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और सीएमएचओ डॉक्टर राजेश पांडे और सिविल सर्जन डॉक्टर वीएस वैरिया को पद से हटा दिया। इसके बाद से ही शहडोल में एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दावा कर रहे हैं कि उनकी मांग पर ही कार्रवाई हुई। कांग्रेस का कहना है कि मंत्री के दौरे के दौरान उनके सामने ही कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई के लिए प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से सीएमएचओ और सिविल सर्जन को हटाया गया। इस बात की खुशी है कि शहडोल के आम जनों को न्याय देने के लिए 13 दिन बाद ही सही मंत्री आए और हम लोगों ने उस समय उनकी उपस्थिति में उनको ज्ञापन भी दिया और ज्ञापन देने के बाद जो कार्रवाई हुई और अखबारों में भी आया और वो इस बात की खुशी है। कांग्रेस का कहना है कि नवजात बच्चों के मामले में उनके कार्यकर्ता 26 नवंबर से ही इस मामले को उठाते रहे हैं। 2 दिसंबर को पार्टी ने ज्ञापन भी दिया था। 26 तारीख से लगातार जो बच्चों की मृत्यु हो रही है, कांग्रेस हमेशा संज्ञान में लेते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, आईटी सेल के लोगों ने, हमारे कांग्रेस जनों ने समय समय पर उसको प्रशासन को बताया। 2 दिसंबर को हम लोगों ने ज्ञापन दिया जिला कांग्रेस कमेटी के तहत। वहीं बीजेपी भी नवजात मौत मामले में कार्रवाई पर श्रेय लेने में पीछे नहीं है। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल का दावा है कि बीजेपी के लेटर पैड पर सीएमएचओ और सिविल सर्जन को हटाने की मांग की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के समस्त पूरे जिले के कार्यकर्ताओं का इसमें ज्ञापन में सहयोग था और सभी का विश्वास था कि माननीय मंत्री जी जो भी दोषी होगा उसे दंडित जरूर करेंगे। अब सफलता है इसे हम कार्यकर्ताओं की भी दें और भाजपा को तो पूरी भाजपा ही थी इसमें, सभी को इसमें साथ था और सबका साथ सबका विकास, उसी तर्ज पर भाजपा अपना काम करती है। बिल्कुल, मंत्री जी तो पहले से ही जब समीक्षा चुकी, अधिकारियों की टीम उनकी आ चुकी थी और उन लोगों ने भी देखा, उनको महसूस हुआ कि यहाँ पे गड़बड़ी कुछ ना कुछ है। अधिकारियों के जो हमारे जिला चिकित्सालय से संबंधित अधिकारी, उनकी कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ उनको दिखी थी और हमारे पत्र से भी उसमें मुहर लगी, चूँकि हम लोग भी लगातार यहाँ रह रहे हैं और रोगी कल्याण समिति सदस्य होने के नाते अस्पताल की व्यवस्थाओं पर हमारी नज़र रहती है। बीजेपी कांग्रेस पर कार्रवाई के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि उनकी मांग थी कि ऐसे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कांग्रेस के लोग तो राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे थे, जबकि ये घटना राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिकरण करने का अवसर नहीं था। ये घटना बहुत दुर्भाग्यजनक थी, इसमें कहीं भी राजनीति नहीं आनी चाहिए थी। हम लोगों को तो सिर्फ एक प्रयास था कि अगर गलत काम कोई किया है, गैर जिम्मेदार कोई व्यक्ति है, तो दंडित हो और व्यवस्थाओं में सुधार हो। हमारी सरकार भी इस बात की चिंता करती थी, इसलिए आप देखते हैं कि हमारे मंत्री जी आए, पूरे दिन रहे, 3 जिलों को उन्होंने दौरा किया और जो दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध उन्होंने कार्रवाई की है। शहडोल में जिन घरों के चिराग बुझे उन परिवारों की स्थिति समझी जा सकती है, लेकिन अब नवजात बच्चों की मौत के मामले में कार्रवाई पर जिस तरह सियासत हो रही है उस पर क्या कहा जाए। अब तो यही कहना पड़ेगा कि नाम लेने की लूट है, लूट सके तो लूट। पुष्पेंद्र, न्यूज़ स्टेट, शहडोल।